TV news network and hosts a number of programs, including the channel's flagship weekday show, Primetime. Ladies and gentlemen, please welcome 2019 Ramon Magsaysay awardee from India, Ravish Kumar. Thank you. मैं रवीश कुमार मैं इस वक्त भारत से बहुत दूर हूं और उस चांद से भी जहां भारत पहुंचने वाला है लेकिन मैं जिस चांद की बात करने जा रहा हूं वहां गड्ढे ज़्यादा हैं और वो किसी की मुट्ठी में बंद हो गया है दुनिया भर में सूरज की आग में तपते लोकतंत्र को चांद की ठंडक तो चाहिए ये ठंडक आएगी कहाँ से सूचनाओं की वास्तविकता से प्रमाणिकता से और पवित्रता से और साहस से न कि नेताओं की ऊंची आवाज़ से सूचना जितनी पवित्र होगी प्रामाणिक होगी नागरिकों के बीच भरोसा उतना ही गहरा होगा देश सही सूचनाओं से बनता है फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा और झूठे इतिहास से हमेशा भीड़ बनती है रैमन मैगसे से फ़ाउंडेशन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे हिंदी में बोलने का मौक़ा दिया वरना मेरी माँ और भाभी नहीं समझ पाती कि मैं क्या बोल रहा हूँ दो महीने पहले जब मैं प्राइम टाइम की तैयारी में डूबा हुआ था तभी सेल फ़ोन बचता है कॉलर आईडी पर फिलीपींस लिखा हुआ था मुझे लगा किसी ट्रोल ने फ़ोन किया है यहाँ के नंबर से मुझे बहुत ट्रोल किया जाता है अगर वो लोग वाकई यहाँ रहते हैं तो उनका इस हॉल में भी स्वागत है मैं आ गया हूं फिलिपींस का नंबर उठाने के बाद जब मैंने अपने सहयोगियों से कहा कि अब मैं आपको एक ट्रोल की भाषा सुनाता हूं और मैंने फोन को स्पीकर फोन पे ऑन कर दिया लेकिन अच्छी से अंग्रेजी में एक महिला की आवाज़ आई मैं आई प्लीज स्पीक टू मिस्टर रवीश कुमार हजारों ट्रोल में आज तक एक भी महिला की आवाज़ नहीं आई मैंने फोन को तुरंत ही स्पीकर फोन से हटा लिया उसी तरह से उस तरफ से आ रही आवाज मुझसे पूछ रही थी कि मुझे इस साल का रेमन मैक्सेस से पुरस्कार मिला है क्या मैं स्वीकार करता हूं मैंने स्वीकार किया और यहां हूँ मैं सिर्फ मैं यहाँ नहीं आया हूं मेरे साथ पूरी हिंदी पत्रकारिता आई है जिसकी हालत इन दिनों बेहद शर्मनाक है गणेश शंकर विद्यार्थी और पीर मोनिस मोहम्मद की साहस वाली पत्रकारिता आज डरी हुई है दब्बू हो गई है अब मैं अपने विषय पर आता हूँ कि पावर ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म जिस पे मुझे बोलना है यह समय नागरिक होने के इम्तहान का समय है नागरिकता को फिर से समझने का समय है और उसके लिए लड़ने का समय है ये जानते हुए कि इस समय में नागरिकता पर चौथा हमला हो रहा है और सत्ता की निगरानी और नियंत्रण बढ़ता जा रहा है एक व्यक्ति और एक समूह के तौर पर जो इस हमले को खुद को बचा लेगा और इस लड़ाई में माच लेगा वही नागरिक भविष्य को बेहतर समाज और सरकार की बुनियाद रखेगा दुनिया ऐसे नागरिकों के जिद से भरी हुई है नफरत के माहौल और सूचनाओं के सूखे में कोई है जो इस रेगिस्तान में कैक्टस के फूल की तरह खिला हुआ है रेत में खड़े पेड़ कभी ये नहीं सोचते कि उनके होने का मतलब क्या है जहां कहीं भी वो दूसरों के लिए खड़ा होता है ताकि दूर से दिख जाए कि यहाँ भी हरियाली हो सकती है जहां कहीं भी लोकतंत्र हरे मैदान से रेगिस्तान में सबवर्ट किया जा रहा है वहां आज नागरिक होने और सूचना पर उसके अधिकारी होने की लड़ाई थोड़ी मुश्किल जरूर हो गई है मगर असंभव नहीं है नागरिकता के लिए जरूरी है कि सूचनाओं की स्वतंत्रता और प्रामाणिकता हो आज स्टेट सत्ता का मीडिया और उसके बिजनेस का पूरा कंट्रोल हो चुका है स्टेट का मीडिया पर कंट्रोल का मतलब है आपकी नागरिकता का दायरा छोटा होना मीडिया अब सर्वेलांस स्टेट का पार्ट है जो निगरानी करता है अब वो फोर्थ स्टेट नहीं है बल्कि फर्स्ट स्टेट है प्राइवेट मीडिया और गवर्नमेंट मीडिया का अंतर पूरी तरह से मिट गया है इसका काम ओपिनियन को डाइवर्सिफाई करने करना नहीं है बल्कि कंट्रोल करना है ऐसा भारत और दुनिया के कई देशों में हो रहा है न्यूज़ चैनलों के डिबेट की भाषा लगातार लोगों को उसके अपने राष्ट्रवाद की परिभाषा से बाहर निकालने का मौका खोजते रहती है इतिहास और सामूहिक स्मृतियों को हटाकर उनकी जगह एक पार्टी का राष्ट्र और इतिहास लोगों पर थोपा जा रहा है मीडिया की भाषा में दो तरह के नागरिक हो गए हैं एक नेशनल है और एक एंटी नेशनल है एंटी नेशनल वो है जो सवाल करता है असहमत असहमति रखता है असहमति लोकतंत्र और नागरिकता की आत्मा है उस आत्मा पर रोज हमले होते हैं जब नागरिकता खतरे में हो या उसका मतलब ही बदल दिया जाए तब उस नागरिकता तब उस नागरिक की पत्रकारिता कैसी होगी तब सिटीजन जर्नलिज्म उस माहौल में कैसा होगा नागरिक तो दोनों हैं जो खुद को नेशनल कहता है और जो एंटी नेशनल कहा जा रहा है वो भी तो नागरिक है दुनिया के कई देश कई देशों में ये स्टेट सिस्टम जिसमें न्यायपालिका भी है और लोगों के बीच लेजिटिमाइज हो चुका है ये नया सिस्टम फिर भी हम कश्मीर और हांगकांग के उदाहरण से समझ सकते हैं कि लोगों के बीच लोकतंत्र और नागरिकता की क्लासिक समझ अभी भी बची हुई है और उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं आखिर क्यों हांगकांग के लोकतंत्र हांगकांग में लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लाखों लोगों का सोशल मीडिया पर भल, पर भरोसा नहीं रहा उन्होंने उस भाषा पर भी विश्वास नहीं किया जिसे सरकारें जानती हैं जो मुख्य मीडिया की मुख्य धारा की मीडिया की भाषा है इसलिए उन्होंने अपनी नई भाषा गढ़ी और उसमें आंदोलन की रणनीति को कम्युनिकेट किया ये नागरिक होने की रचनात्मक लड़ाई है जो हांगकांग ने लड़ी हांगकांग के नागरिक अपने अधिकारों को बचाने के लिए उन जगहों के समानांतर मुख्य धारा के मीडिया के समानांतर नई जगहें पैदा कर रहे हैं जहाँ लाखों लोग नए तरीके से बात कर रहे हैं नए तरीके से लड़ रहे हैं पल भर में जमा होते हैं कोई हिंसा नहीं करते हैं अपना ऐप बना लिया है और मेट्रो के इलेक्ट्रॉनिक कार्ड खरीदने की रणनीति अपनी बदल ली है फोन के सिम कार्ड का इस्तेमाल बदल लिया है कंट्रोल के इन सामानों को नागरिकों ने कबाड़ में बदल दिया है यह प्रोसेस बता रहा है कि स्टेट ने नागरिकता की लड़ाई अभी पूरी तरह से नहीं जीती है हांगकांग के लोग सूचना संसार के आधिकारिक नेटवर्क से खुद ही अलग हो गए और अपनी लड़ाई जीत गए कश्मीर में दूसरी कहानी है वहाँ कई दिनों के लिए सूचना तंत्र को ही बंद कर दिया गया एक करोड़ से अधिक की आबादी फोन आबादी को सरकार ने सूचना संसार से ही अलग कर दिया इंटरनेट शटडाउन हो गया मोबाइल फोन बंद हो गए सरकार के अधिकारी प्रेस का काम करने लगे और प्रेस के लोग सरकार का काम करने लगे क्या बगैर कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन के सिटीजन की कल्पना कर सकते हैं वो बेचैनियाँ क्या होती होंगी जब अखबार पहुँचना बंद हो जाए जब आप किसी से बोल ना पाए अपना हाल दूसरे का ना बता पाए दूसरे से ना जान पाए क्या होगा जब मीडिया जिसका काम सूचनाएं एकत्र करना है सूचना के तमाम नेटवर्क अचानक बंद कर दिए जाए तब क्या होगा और मीडिया उसका समर्थन करने लगे कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है और वो उस सिटीजन के भी खिलाफ हो जाए जो अपने स्तर पर सूचना ला रहा है या सिटीजन जर्नलिज्म कर रहा है जब मेन स्ट्रीम मीडिया जर्नलिज्म नहीं कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में सिटीजन जर्नलिज्म कैसे कर सकता है यह उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है के भारत के पड़ोसी देश प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में निचले पायदान पर हैं पाकिस्तान चीन श्रीलंका बांग्लादेश म्यांमार और भारत नीचे की रैंकिंग में ये सब पड़ोसी हैं पाकिस्तान में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो अपने न्यूज़ चैनलों को जिसने निर्देश दे निर्देश देता है कि कश्मीर पे किस तरह से प्रोपेगेंडा करना है भारत के ख़िलाफ़ कैसे रिपोर्टिंग करनी है इसे वैसे तो सरकारी भाषा में सलाह एडवाइज़ कहा गया है मगर होता यह है कि ये निर्देश है इसमें बताया जा रहा है कि कैसे 15 अगस्त के दिन दिन स्क्रीन को खाली रखना है ताकि वो कश्मीर के समर्थन में काला दिवस मना सके पाकिस्तान जिसकी समस्या का एक बड़ा कारण खुद वह भी है फिजूल की बेअबारी बे मैं दोहराना चाहता हूँ फिजूल की बेएतबारी जहालत और बुजदली की निशानी है गांधी जी ने कहा है एक जनवरी 1948 को दूसरी तरफ जब कश्मीर टाइम्स की अनुराधा भसीन भारत की सुप्रीम कोर्ट जाती हैं तो उनके पीछे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी चला जाता है यह कहने की कश्मीर घाटी में मीडिया पर लगे बैन का वो समर्थन करता है मेरी राय में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का दफ्तर एक ही बिल्डिंग में होना चाहिए इस बात पर लड़ाई हो सकती है कि प्रथम तल पर किसका दफ्तर होगा और द्वितीय तल पर किसका दफ्तर होगा अच्छी बात ये रही कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी राय बदल ली गनीमत है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कश्मीर में मीडिया पर लगी रोक की निंदा की थी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की भी बहुत आलोचना की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया दोनों देशों के नागरिकों को सोचना होगा कि लोकतंत्र मजाक नहीं है वो एक सीरियस बिजनेस है क्या वो बगैर सूचनाओं के सही सूचनाओं के अपने देश के भीतर और दुनिया के किसी दूसरे देश के साथ संवाद कायम कर सकते हैं और करेंगे भी तो क्या उसमें वो विश्वसनीयता रहेगी जिसके लिए वो चाहते हैं कि माहौल अच्छा हो होली नहीं है कि इधर से एक गुब्बारा मारा और उधर से पानी में रंग डालकर पानी ज़्यादा भर के रंग के नाम पर गुब्बारा मार दिया वैसे भारत के न्यूज़ चैनल आजकल परमाणु हमले के समय बचने की तैयारी का लेक्चर भी दे रहे हैं तो अपना तौलिया भिंगा कर रखिएगा और घर में बेसमेंट बनवा लीजिए भले छत ना हो क्योंकि आपके न्यूज चैनल हिंदुस्तान के परमाणु हमलों की हमले की तैयारी सिखा रहे हैं बचने की आप हंसे नहीं वो अपना काम सीरियसली कर रहे हैं अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में इस संदर्भ में आज के विषय के टॉपिक को फ्रेम कर लीजिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है सरकार क्या कर रही है दुनिया भर में और उसके बीच एक सिटीजन जर्नलिज्म बिना किसी पावर के खड़ा है वो क्या कर सकता है ये तो वही मीडिया जिसने अपने खर्चे में कटौती के लिए सिटीजन जर्नलिज्म को गढ़ना शुरू किया जिसने आज पूरी मीडिया को खत्म कर दिया है जिस मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसी ने सिटीजन जर्नलिज्म को क्रिएट किया इसके जरिए मीडिया ने अपने रिस्क को आउटसोर्स कर दिया मेन स्ट्रीम मीडिया के भीतर सिटीजन जर्नलिज्म और मेन स्ट्रीम मीडिया के बाहर के सिटीजन जर्नलिज्म दोनों अलग चीजें हैं लेकिन जब सोशल मीडिया के शुरुआती दौर में लोग सवाल करने लगे तो यह मीडिया सोशल मीडिया के खिलाफ हो गया मेन स्ट्रीम न्यूज रूम के भीतर ब्लॉग और वेबसाइट बंद किए जाने लगे आज भी हो रहे हैं आज भी कई सारे न्यूज रूम में पत्रकारों को पर्सनल ओपिनियन लिखने की अनुमति नहीं है यह अलग बात है कि उसी दौरान बगदाद बर्निंग ब्लॉग के जरिए 24 साल की छात्रा रिवर बेड रिवरबैंड असल नाम इनका सार्वजनिक कभी नहीं किया गया कि इराक़ पर हुए हमले युद्ध और तबाही की रोज़ की स्थिति ब्लॉक पोस्ट की शक्ल में आ रही थी और जिसे साल 2005 5 में बगदाद बर्निंग गर्ल ब्लॉक फ्रॉम इराक़ शीर्षक से किताब की शक्ल में पेश किया गया तो दुनिया के प्रमुख मीडिया संस्थानों ने माना कि जो काम सोशल मीडिया के ज़रिए एक लड़की ने किया वो हमारे पत्रकार भी नहीं कर पाए ये सिटीजन जर्नलिज्म है जो मेन स्ट्रीम मीडिया के बाहर हुआ है आज कोई लड़की कश्मीर में बगदाद बर्निंग की तरह ब्लॉग लिख दे तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसे एंटी नेशनल बताएगा मीडिया लगातार सिटीजन जर्नलिज्म के स्पेस को एंटी जर्नलिज्म के नाम पर डीलेजिटिमाइज अवैध करने में लगा है क्योंकि उसका इंटरेस्ट हित दिलचस्पी अब पत्रकारिता में नहीं है पत्रकारिता के नाम पर मीडिया स्टेट का भागीदार है उसका दोस्त है मेरे ख्याल से सिटीजन जर्नलिज्म की कल्पना का बीज इसी वक्त के लिए किया गया होगा जब मीडिया या मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म सूचना के ही खिलाफ हो जाए उसे हर वो आदमी देश के खिलाफ नजर आने लगे जो सूचना पाने के लिए संघर्ष कर रहा है मेन मीडिया नागरिकों को सूचनाओं से वंचित करने लगा है असहमति की आवाजों को गद्दार कहने लगे इसलिए मैं कहता हूं कि ये नागरिक होने का टेस्टिंग टाइम है इम्तहान का वक्त है जब मीडिया ही सिटीजन के खिलाफ हो जाए तो फिर सिटीजन का मीडिया बनना ही लाजमी है पर जानते हुए कि स्टेट कंट्रोल की इस दौर में सिटीज़न और सिटीजन जर्नलिज्म दोनों के खतरे बहुत बड़े हो गए हैं तो सफलता बहुत दूर नज़र आती है उसके लिए स्टेट के भीतर से इंफॉर्मेशन सूचना हासिल करने के दरवाजे पूरी तरह बंद हैं मेन स्ट्रीम मीडिया सिटीजन जर्नलिज्म में कॉस्ट कटिंग और प्रोपेगेंडा का स्कोप बढ़ाना चाहता है और इसके लिए उसका सरकार का पीआर होना बहुत जरूरी है सिटीजन जर्नलिज्म सड़क पर संघर्ष कर रहा है कि कैसे वो जनता के सपोर्ट पर सरकार और विज्ञापनों के जाल से बाहर रह सके अभी सफलता बहुत दूर है भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया पढ़े लिखे नागरिकों को दिन रात पोस्ट इलिटरेट फिर से गैर साक्षर बनाने में लगा है वह अंधविश्वास से घिरे नागरिकों को सचेत और सतर्क समर्थ नागरिक बनाने का प्रयास छोड़ चुका है जिसका जनादेश संविधान ने देश के हर नागरिक को और देश की हर सरकारों और संस्थाओं को दिया है अंधराष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता उसके सिलेबस का हिस्सा है यह स्टेट के नैरेटिव को पवित्र सूचना मानने लगा है अगर आप इस मीडिया के जरिए किसी डेमोक्रेसी को समझने का प्रयास करेंगे तो एक ऐसे लोकतंत्र की तस्वीर बनाता है जहां सारी सूचनाओं का रंग अब एक हो गया है उसका सियासी रंग भी एक हो गया है और उसका एक रंग है झूठ यह रंग सत्ता के रंग से मेल खाता है कई सौ चैनल हैं मगर सारे चैनलों पर एक ही अंदाज में एक ही प्रकार की सूचना और डिबेट है एक तरह से सवाल फ्रेम किए जा रहे हैं ताकि सूचना के नाम पर धारणा फैलाई जा सके इन्फॉर्मेशन में धारणा ही सूचना है परसेप्शन इज द न्यू इन्फॉर्मेशन जिसमें हर दिन नागरिकों को डराया जा रहा है अगर आपको गलत सूचनाओं से भर दिया जाए तो आप डरे ना भी तो भी आप एक कमजोर नागरिक बन रहे हैं आपका मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बुजदिल बना रहा है आपको भीड़ बना रहा है आपके बीच असुरक्षा पैदा कर रहा है कि बोलने पर आपके अधिकार ले लिए जाएंगे जिस तरह से उन्हें एंटी नेशनल कहा जा रहा है आपको भी एंटी नेशनल कहा जाएगा और उसके खतरे फिर बड़े हो जाएंगे इस मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए विपक्ष अपोजिशन एक गंदा शब्द है गाली है वो हमेशा विपक्ष पर हमले करता है और सरकार की खुशामद करता है जब मेन स्ट्रीम मीडिया में विपक्ष और असहमति गाली बन जाए तब असली संकट नागरिकों पर ही आएगा दुर्भाग्य से इस काम में न्यूज़ चैनलों की आवाज़ सबसे करकश और ऊंची है एंकर अब बोलता नहीं है चीखता है ललकारता है भारत में कुछ बहुत कुछ शानदार है मेरे देश में एक महान देश है इसकी उपलब्धियां आज भी दुनिया के सामने नज़ीर हैं लेकिन इसके मेन स्ट्रीम और टीवी मीडिया का ज्यादातर हिस्सा गटर हो गया है भारत के नागरिकों में लोकतंत्र का जज्बा बहुत खूब है लेकिन न्यूज चैनलों का मीडिया उस जज्बे को हर रात कुचलने आ जाता है लाखों नौजवान लाखों साधारण लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर हर दिन प्रदर्शन करते हैं लाठियां खाते हैं और सबूत दे रहे हैं कि लोकतंत्र बिल्कुल जिंदा है फल फूल रहा है मगर मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी परवाह नहीं करता है भारत में शाम तो सूरज डबने डूबने से होती है लेकिन रात का अंधेरा न्यूज़ चैनलों की खबरों से होता है भारत में लोगों के बीच लोकतंत्र जिंदा है हर दिन सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं मगर मीडिया अब इन प्रदर्शनों की स्क्रीनिंग करने लगा है उसमें से लोगों को ढूंढ रहा है बताने के लिए कि यहाँ जमा हुए लोग एंटी नेशनल है ये लोगों के लिए ख़तरे की घंटी है आज नहीं तो दस साल बाद मेरी हर बात को याद करेंगे इनकी अब ख़बरें नहीं बनती मीडिया के लिए इनका प्रदर्शन एक फालतू काम है मगर डेमोस्ट्रेशन के बग़ैर कोई भी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती प्रदर्शनों के बिना कोई लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं हो सकता कभी होगा भी नहीं इन प्रदर्शनों में शामिल लाखों लोग अब खुद से अपना वीडियो बनाने लगे हैं फोन से बनाए गए उस वीडियो में खुद ही रिपोर्टर बन जाते हैं और घटना स्थल का ब्यौरा देने लगते हैं बताने लगते हैं कि ये रेलवे की फैक्ट्री है ये फैक्ट्री शायद प्राइवेटाइज होगी और सरकार इसे बंद करना चाहती है हम प्रदर्शन पर निकले हैं और यहाँ पर कोई मीडिया नहीं आया है जैसे बाद में प्रदर्शन में आए लोगों को इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए फॉरवर्ड किया जाता है इंफॉर्मेशन का मीडिया उन्हें जिस नागरिकता का पढ़ा पाठ पढ़ा रहा है आज का मीडिया उन्हें जिस नागरिकता का पाठ पढ़ा रहा है उसमें नागरिक का मतलब यह नहीं कि वह सरकार के खिलाफ नारेबाजी करे इसीलिए नागरिक अपने होने का मतलब बचाए रखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के लिए वीडियो बनाने लगता है जो उस प्रदर्शन में आया होता है आंदोलन करने वाले सिटीजन जर्नलिज्म करने लगते हैं अपना वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालने लगते हैं जब स्टेट और मीडिया एक होकर सिटीजन को कंट्रोल करने लगे तब क्या कोई सिटीजन जर्नलिस्ट के रूप में एक्ट कर सकता है सिटीजन बने रहने और उसके अधिकारों को एक्सरसाइज करने के लिए इकोसिस्टम भी उसी डेमोक्रेसी को प्रोवाइड कराना होता है उपलब्ध कराना होता है अगर कोर्ट पुलिस और मीडिया हॉस्टाइल हो जाए विरोधी हो जाए फिर सोसाइटी का वो हिस्सा जो स्टेट बन चुका है स्टेट का समर्थक हो चुका है आपको एक्सक्लूड बहिष्कृत करने लगे तो हर तरह से निहत्था होकर एक आम नागरिक किस तरह से किस हद तक लड़ सकता है ये हम सबको सोचना है पूरी दुनिया को सोचना है क्योंकि ये पूरी दुनिया में हो रहा है अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में लड़ने वाले लोग अभी हैं मुझे हर दिन व्हाट्सएप पे 500 से हज़ार मैसेज आते हैं कभी कभी यह संख्या ज़्यादा भी होती है हर दूसरे मैसेज में लोग अपनी समस्या के साथ पत्रकारिता का मतलब भी लिखते हैं बताते हैं मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया के लोग भले ही पत्रकारिता की परिभाषा भूल गए हों लेकिन जनता को याद है कि पत्रकारिता की परिभाषा क्या है जब भी मैं अपने व्हाट्सअप को खोलता हूँ ये देखने के लिए कि मेरे के मेरे ऑफिस के ग्रुप में किस तरह की सूचना आई है क्या बात हो रही है मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता मैं हज़ारों लोगों की सूचना को देखने में ही उलझ जाता हूँ इसलिए मैं अपने व्हाट्सएप को पब्लिक न्यूज़ रूम कहता हूँ देश भर में मेरे नंबर को ट्रोल ने वायरल किया लोगों तक पहुँचाया कि मुझे गाली दी जाए मुझे धमकियाँ दी जाएँ मेरी माँ और बहनों के बारे में अनाप शनाप कहा जाए गालियाँ भी आई धमकियाँ भी आई आती भी रहती हैं आ भी रही हैं लेकिन उसी नंबर से चलकर वो लोग भी आए जिनकी आवाज़ इस मीडिया के माध्यमों की बहुलता के दौर में भी दबा दी गई है अपनी और अपने इलाके की ख़बरों को लेकर आए ये वो खबरें हैं जो न्यूज़ चैनलों की परिभाषा के हिसाब से ख़त्म हो चुकी हैं मगर उन्हीं चैनलों को देखने वाले ये लोग जब खुद परेशानी में पड़ते हैं तो उन्हें पत्रकार होने का मतलब समझ आता है और उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि इस शहर में चाटुकार कौन है पत्रकार कौन है उनके जहन से पत्रकारिता का मतलब अभी भी समाप्त नहीं हुआ है बल्कि वो समझ अभी भी क्लासिक के तौर पर बची हुई है जब रूलिंग पार्टी के सदस्यों ने रूलिंग पार्टी ने मेरे शो प्राइम टाइम का बहिष्कार किया तो मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए उस समय वही यही वो लोग थे जिन्होंने अपनी समस्याओं से मेरे शो को भर दिया और ये लोग रूलिंग पार्टी के भी समर्थक थे जिस मेन स्ट्रीम मीडिया ने सिटीजन जर्नलिज्म के नाम पर जर्नलिज्म और सत्ता के ख़िलाफ़ बोलने वाले तक को आउटसोर्स कर दिया था जिसमें कि लोगों के बीच मीडिया का भ्रम तो बना रहे सिटीजन जर्नलिज्म के नाम पर सिटीजन के इस समूह ने मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का सिटीजन जर्नलिस्ट बना दिया मीडिया का यही भविष्य होना है उसके पत्रकारों को मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों को सिटीजन जर्नलिस्ट बनना पड़ेगा ताकि लोग सिटीजन बन सकें जिनका काम पत्रकार होना है वो पत्रकार बन सकें ठीक उसी समय में जब न्यूज़ चैनलों से आम लोग गायब कर दिए गए और उन पर डिबेट शो के ज़रिए पॉलिटिकल एजेंडा थोपा जाने लगा एक तरह के नैरेटिव से बहस से लोगों को घेरा जाने लगा उसी समय में लोग इस घेरे को तोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं गालियों और धमकियों के बीच ऐसे मैसेज की श्रृंखला और संख्या बढ़ने लगी है जिनमें लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं मैं लोगों की समस्याओं से अब ट्रोल किया जाने लगा हूं और इसका मुझे सुखद एहसास है क्या आप नहीं बोलेंगे क्या आप सरकार से डरते हैं ये आवाज़ उनके लिखे हुए हर मैसेज से आती है मैंने उन्हें सुनना शुरू कर दिया प्राइम टाइम का मिजाज नेचर बदल गया हजारों नौजवानों के मैसेज आने लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की परीक्षा दो से तीन साल में भी पूरी नहीं करती है जिन परीक्षाओं के रिजल्ट आ जाते हैं उनमें भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं करती है अगर मैं सारी परीक्षाओं में शामिल नौजवानों की संख्या का हिसाब लगाऊं, तो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे नौजवानों की संख्या करोड़ों में जा सकती है प्राइम टाइम के जॉब सीरीज़ का असर होने लगा और देखते ही देखते कई परीक्षाओं के रिज़ल्ट भी निकले अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा संख्या में परीक्षाओं के रिजल्ट आज तक नहीं निकले सरकारों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा जिस स्टेट से मैं आता हूँ बिहार वहाँ 2014 की परीक्षा का परिणाम 2018 तक नहीं आया था बस मेरा व्हाट्सएप नंबर पब्लिक न्यूज़ रूम में बदल गया सरकार और पार्टी सिस्टम में जब मेरे सीक्रेट सोर्स किनारा करने लगे मुझसे बात करने में खबरें देने में तब पब्लिक मेरे लिए ओपन सोर्स बन गई मुझे खबरें देने लगी प्राइम टाइम अक्सर लोगों के भेजे गए मैसेज के आधार पर बनने लगा है यह व्हाट्सएप ग्रुप का रिवर्स इस्तेमाल है एक तरफ राजनीतिक दल का आई सेल लाखों की संख्या में सांप्रदायिकता और जेनोफोबिया अंधराष्ट्रवाद फैलाने वाले मैसेज भेज रहा है और मेरे नंबरों नंबर के साथ कि इन्हें इस तरह से गाली दी जाए तो दूसरी तरफ से असली ख़बरों के मैसेज मुझे उन्हीं नंबर से पहुंच रहे हैं मेरा न्यूज़ रूम एन के न्यूज़ रूम से शिफ्ट होकर लोगों के बीच चला गया है यही भारत के लोकतंत्र की उम्मीद है क्योंकि इन्होंने न तो सरकार से उम्मीद छोड़ी है और ना ही सरकार से सवाल करने का रास्ता भी पूरी तरह से बंद किया है तभी तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया में अपने लिए एक छोटी सी खिड़की ढूंढ रहे हैं या उन्होंने ढूंढ ली है जब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के झूठे और फर्जी सपने दिखाए गए दिखाए जा रहे थे तब कॉलेज के छात्र अपने क्लासरूम और टीचर की संख्या मुझे भेज रहे थे दस हजार छात्रों पर दस बीस शिक्षक भी नहीं हैं बिहार के कॉलेज में मैं वहां तक कभी नहीं पहुंच पाता लेकिन लोग उस कॉलेज की पूरी जानकारी के साथ मुझ तक पहुंच चुके थे और वह दुनिया तक जा चुकी थी मीडिया जिस दौर में स्टेट के हिसाब से सिटीजन को डिफ़ाइन कर रहा है इस दौर में इसी दौर में सिटीजन अपने हिसाब से मुझे डिफाइन कर रहा है जैसा वो खुद है वैसा मुझे बनाना चाहता है डेमोक्रेसी में उम्मीदों के का कैक्टस के फूल उम्मीदों के कैक्टस खिल रहे हैं खिल रहे हैं अभी मुझे चंडीगढ़ की उस लड़की का मैसेज अब भी याद है वो प्राइम टाइम देख रही थी तो उसके पिता ने टीवी बंद कर दिया उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और प्राइम टाइम देखा वो भारत के लोकतंत्र की शानदार नागरिक है जब तक वो लड़की है लोकतंत्र अपनी चुनौतियों को पार कर लेगा उन बहुत से लोगों का जिक्र करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे पहले ट्रोल किया गालियाँ दी मगर बाद में खुद से लिख माफ़ी मांगी अफसोस ज़ाहिर किया अगर मुझे लाखों गालियाँ आई हैं तो मेरे पास ऐसे हज़ारों मैसेज भी आए हैं जिसमें लोगों ने माफ़ी मांगी है महाराष्ट्र के उस लड़के का मैसेज याद है जो अपनी दुकान पर टीवी पर चल रहे नफ़रत वाले डिबेट से घबरा उठता है और अकेले कहीं जाकर जहाँ सामान रखे होते हैं गोदाम में बैठ जाता है जब वो घर में मेरा शो चलाता है तो उसके पिता और भाई बंद कर देते हैं कि मैं देशद्रोही हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया और आई टी सेल ने मेरे खिलाफ़ ये कैंपेन चलाया है बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिन तक इस तरह के मैसेज हर दिन पहुंचाए जा रहे हैं आप समझ सकते हैं कि इस तरह के कैंपेन से घर घर में स्क्रीनिंग होने लगी है लोग आईटी सेल का, का काम करने लगे हैं कि पिता अपनी बेटी को प्राइम टाइम देखने से रोकता है और भाई अपने छोटे भाई को लेकिन फिर भी उन्हीं घरों में लोग बोल रहे हैं देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में अभी भी जिंदा दिल लोग बाकी हैं ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज सिटीजन जर्नलिस्ट होने के लिए आपको स्टेट और स्टेट की तरफ बर्ताव करने वाले सिटीजन से भी जूझना होगा जो बड़ा भाई छोटे भाई को टीवी नहीं देखने दे रहा है जो पिता अपनी बेटी को प्राइम टाइम नहीं देखने दे रहा है वो स्टेट की तरफ बर्ताव करने वाला सिटीजन घर में पैदा हो गया है यही डरने वाली बात है चुनौती सिर्फ स्टेट नहीं है राज्य नहीं है राज्य जैसे हो चुके लोग भी हैं सांप्रदायिकता से लैस अंधराष्ट्रवाद और गलत सूचनाओं से लैस भीड़ के बीच दूसरे नागरिक भी डर जाते हैं जो सरकार के समर्थक होते हैं जो उन पार्टियों के समर्थक होते हैं उनका जोखिम काफी बढ़ गया है आपको अपने मोबाइल पर यह मैसेज देखकर घर से निकलना होता है कि मैसेज कर देने वाला आज मुझे लिंच कर देना चाहता है मेरी हत्या कर देना चाहता है इस तरह के मैसेज भी लिख कर भेजने का जो माहौल बना है उसका एंटाइटमेंट उसका एंटाइटलमेंट उसका अधिकार बोध इतना ज़्यादा हो गया है कि वो लिख कर मैसेज भेजता है कि मुझे आज लिंच कर दिया जाएगा मार दिया जाएगा भीड़ के द्वारा घेर कर उसे डर नहीं है कानून का क्योंकि उसे भरोसा हो गया है कि सरकार का सिस्टम उसका साथ देगा मेरा नहीं इसीलिए आप देखेंगे कि यूपी के एक जिले में जब एक पत्रकार ने रिपोर्टिंग की नमक और नून खाने की उसी के खिलाफ एफआईआर हो गया जांच बिठा दी गई साजिश के आरोप लगा दिए गए आज का सिटीजन बहुत दबाव में है उसके सामने चुनौती है कि वो इस मीडिया से कैसे लड़े जो दिन रात उसी के नाम पर अपना धंधा करता है हम इस मोड़ पर हैं जहां लोगों को सरकार तक पहुंचने के लिए मीडिया के बैरिकेड से लड़ना है वरना उसकी आवाज़ व्हाट्सएप के इनबॉक्स में घूमती रह जाएगी पहले लोगों को नागरिक बनना होगा फिर स्टेट को बताना होगा कि उसका एक काम यह भी है कि वो हमारी नागरिकता के ज़रूरी तत्वों के लिए सबसे ज़रूरी निर्भीकता के माहौल को बनाए रखे स्टेट को क्वेश्चन करने का माहौल बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है एक सरकार का मूल्यांकन आप तभी कर सकते हैं जब उसके दौर में मीडिया स्वतंत्र हो इन्फॉर्मेशन के बाद अब अगला अटैक इतिहास पर हो रहा है बल्कि साथ साथ हो रहा है जिससे हमें ताकत मिलती है प्रेरणा मिलती है उसी इतिहास को छीना जा रहा है आज मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार बहुत डरे हुए हैं और एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है आज़ादी के समय भी तो ऐसा ही था <coughs> अंग्रेजों की हुकूमत थी बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी डॉक्टर अंबेडकर, गणेश शंकर विद्यार्थी अनगिनत नाम हैं ये सब सिटीजन जर्नलिस्ट थे 1917 में चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी ने कुछ दिनों के लिए प्रेस को आने से रोक दिया उन्हें पत्र लिखा कि आप चंपारण सत्याग्रह से दूर रहें गांधी खुद किसानों से उनकी बात सुनने के लिए बैठ गए चंपारण में गांधी के आसपास पब्लिक न्यू पब्लिक वहाँ की गरीब जनता न्यूज़ रूम बनाकर बैठ गई आप उन तस्वीरों को देखिए कि एक एडिटर गांधी एडिटर की तरह मेज पर बैठे हैं और लोग जो हैं रिपोर्टर की तरह रोज़ाना की न्यूज़ मीटिंग में शामिल हैं वो अपनी शिकायतें प्रमाण के साथ गांधी जी को बताने लगी वहाँ की जनता उसके बाद उसी के बाद भारत की आज़ादी की लड़ाई का इतिहास बदल गया जो आपके सामने है जिसका नतीजा मैं ऐसे किसी दौर या देश को नहीं जानता जो ख़बरों के बगैर धड़क सकता है जिंदा रह सकता है किसी भी देश को ज़िंदा दिल होने के लिए सूचनाओं की प्रमाणिकता बहुत ज़रूरी है सूचनाएं सही और प्रमाणिक नहीं होंगी तो नागरिक बदहवास हो जाएगा इसलिए एक बार फिर से सिटीजन जर्नलिज्म की ज़रूरत तेज़ हो गई है वो सिटीजन जर्नलिज्म जो मेन स्ट्रीम मीडिया की कारोबारी स्ट्रेटजी से अलग है इस हताशा की स्थिति में भी इस स्थिति में भी आज भी कई लोग इस गैप को भर रहे हैं कॉमेडी कर रहे हैं इंडिविजुअल यूट्यूब कर रहे हैं ताकि सिटीजन जर्नलिज्म के एसेंस को उसके भाव को जिंदा रखा जा सके उनकी ताकत का असर यह है कि भारत के लोकतंत्र में अभी भी सब कुछ एक तरफा नहीं हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफा हो गया है जनता सूचना के क्षेत्र में अपने स्पेस अपनी जगह बनाने की लड़ाई आज भी लड़ रही है और कल भी वो लड़ेगी भले ही वो अब जीत नहीं पाएगी महात्मा गांधी ने 12 अप्रैल 1947 की प्रार्थना सभा में अखबारों को लेकर एक बात कही थी आज के डिवाइसिव मीडिया के लिए दो धर्मों के बीच लड़ाने वाले मुख्य धारा की मीडिया के लिए गांधी के प्रवचन काम आ सकते हैं गांधी ने एक बड़े अखबार के बारे में कहा जिसमें खबर छपी थी कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में अब गांधी की कोई नहीं सुनता है गांधी ने कहा था कि यदि अखबार दुरुस्त नहीं रहेंगे तो फिर हिंदुस्तान की आज़ादी किस काम की दोहरा दो गांधी ने कहा था कि यदि अखबार दुरुस्त नहीं रहेंगे तो फिर हिंदुस्तान की आज़ादी किस काम की आज अखबार डर गए हैं वे अपनी आलोचना को वो नागरिकों की आलोचना को देश की आलोचना बना देते हैं जबकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया और खासकर न्यूज चैनलों की आलोचना अपने इस महान देश के हित में ही कर रहा हूं मैंने कहा कि इसकी उपलब्धियां शानदार हैं मगर मुख्य धारा का मीडिया गटर हो गया है गांधी ने कहा था 12 अप्रैल उन्नीस को कि आप इन में अखबारों को फेंक दें कुछ खबर सुननी हो तो एक दूसरे से पूछ लें अगर पढ़ना ही चाहें तो सोच समझ कर अखबार चुन लें जो हिंदुस्तान वासियों की सेवा के लिए चलाए जा रहे हों जो हिंदू और मुसलमान को मिलकर रहना सिखाते हों भारत के अखबारों और चैनलों में हिंदू मुसलमान को लड़ाने भड़काने की पत्रकारिता हो रही है गांधी आज होते तो यही कहते जो उन्होंने 12 अप्रैल 1947 को कहा था जिसे मैं आज दोहरा रहा हूँ दूसरे शब्द में कि इन न्यूज़ चैनलों को देखना बंद कर दीजिए यह आपके और इस महान भारत के लोकतंत्र की हत्या करने का दैनिक अभ्यास कर रहे हैं आज बड़े पैमाने पर सिटीजन जर्नलिस्ट की ज़रूरत है लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है सिटीजन के डेमोक्रेटिक होने की उसके नागरिक होने की मैं एन डी के करोड़ों दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी बात को सुना समझा आलोचनाएं की और बहुत गौर किया उन्होंने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में मेरा साथ दिया है ये पुरस्कार ये सम्मान उन्हीं करोड़ों दर्शकों का है मैं आज एन डी के सभी सहयोगियों को याद करना चाहता हूँ डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय को भी याद करना चाहता हूँ कि मेरे बोलने से उन्हें कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है और मालूम नहीं इस भाषण के ख़त्म होते होते कोई दूसरी एफआईआर उनका इंतज़ार कर रहा होगा मैं हिंदी का पत्रकार हूँ मगर मराठी मलयालम गुजराती बांग्ला भाषी दर्शकों ने जो मुझे प्यार दिया है जो वहाँ के अखबारों ने इस सम्मान के मिलने के बाद लिखा है मैं उसका आभारी हूँ खासकर गुजराती अखबारों का जिन्होंने काफ़ी दिलचस्पी लेकर मेरे बारे में लिखा मैं गुजरात का आभारी हूँ मुझे भारत के नागरिकों ने बनाया है मेरे क्लासरूम में इतिहास के क्लासरूम में मैं अपने इतिहास के श्रेष्ठ शिक्षक को हमेशा याद करता हूँ कि मुझे दुनिया के बेहतरीन इतिहासकारों ने पढ़ाया है मेरे आदर्श अनुपम मिश्र याद आ रहे हैं जो मनीला चंडी प्रसाद भट्ट जी के साथ आए थे अनुपम जी बहुत ही याद आते हैं मेरा दोस्त यहाँ नहीं है जो एन के बाहर के दोस्त हैं चंद दोस्त हैं मैं उन सब को भी यहाँ से बैठकर याद कर रहा हूँ यहाँ मेरी पत्नी बैठी हैं मेरी जीवन साथी मेरी दोस्त और मेरी बेटियाँ मैं नोएना के पीछे चलकर कर यहाँ तक पहुँचा हूँ काबिल स्त्रियों के पीछे हमेशा चला कीजिए आगे नहीं अच्छा नागरिक बना कीजिए इस वक्त की बहुत ज़रूरत है न सिर्फ भारत में पाकिस्तान में म्यांमार में बांग्लादेश में श्रीलंका में नेपाल में और दुनिया के तमाम मुल्कों में धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया रेमन मैक्से अवार्ड फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बोलने के लिए मंच उपलब्ध कराया जय हिंद रेमोन मैक्से फाउंडेशन रेमन मैक् सम्मान से पहले फिलीपींस के मनीला में रविश कुमार का संबोधन कहा सूचनाओं की पवित्रता और उसके लिए साहसिकता